दोस्तों, यदि आप भी एक यूट्यूबर हैं और यूट्यूब वीडियो को मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, मोबाइल से अपलोड करते हैं या मोबाइल से आप वीडियो को एडिट करते हैं, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप ही के लिए। हेलो फ्रेंड्स, निक है, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज वीडियो में बताने वाला हूँ कि यूट्यूब ने एक लेटेस्ट नया अपडेट दिया है जो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से वीडियो अपलोड करते हैं या पूरा का पूरा चैनल को मोबाइल से ही अपडेट करते हैं उसके लिए बहुत खास है। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं YT स्टूडियो में और वहाँ पर जाकर आपको बताता हूँ कि क्या अपडेट आया है। तो सबसे पहले हमें YT स्टूडियो में आ जाना है। इस तरह से YT स्टूडियो में आने के बाद यहाँ पर एनालिटिक्स का ऑप्शन है, उसी के जस्ट नीचे में वीब मोड है, तो इसमें क्लिक कर देना है। चल फ्रेंड्स, मैं क्लिक किया हूँ तो देखिए यहाँ पर सब्सक्राइबर का ग्राफ शो हो रहा है। पहले ये ग्राफ शो नहीं होता था, ये सिर्फ और सिर्फ सिस्टम में या तो आप क्रोम ब्राउजर में देख सकते थे, लेकिन अब यूट्यूब ने बहुत ही अच्छा एक लेटेस्ट अपडेट दिया है जिसमें आप अपना सारा एनालिटिक्स आप मोबाइल के YT स्टूडियो में ही देख सकते हैं। चलिए मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर यूनिक व्यूवर्स का है, इसको भी ग्राफ में ही शो कर रहा है। जितना भी है, एवरेज ड्यूरेशन, यूनिक व्यूवर्स है या एवरेज व्यूज पर व्यूअर, इसमें चले मैं शुरू साइड आता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए सब्सक्राइबर, यहाँ पर व्यूवर्स का है, व्यूज का, वॉच टाइम आपको यहाँ पर दिखा देता है, यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का दिखा देता है, यूनिक व्यूअर्स। तो गाइस, यह अपडेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे जैसे यूट्यूबर हैं, जो एक छोटा यूट्यूबर हैं और मोबाइल से ही जितना भी अपना चैनल है यूट्यूब उसको ऑपरेट करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही अल्टीमेट खास होने वाला है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पहले पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक।